दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो ने नए स्पाइस शॉर्ट्स में अपने अलॉय व्हील के डिजाइन को रिवील कर दिया है। इस एसयूवी की जुलाई के आसपास लॉन्च होने की लगभग 99.99% उम्मीद है। अगली पीढ़ी की महिंद्रा स्कॉर्पियो XUV700 से अपने इंजन शेयर करेगी, हालांकि एक अलग स्थिति में। दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को जल्द ही एक पीढ़ी का अपग्रेड मिलेगा। भले ही कार अब तक कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, लेकिन हाल के दिनों में ही हम गाड़ी के बारीक विवरण देख पा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट में कुछ नए स्पाई मीडिया जो ऑनलाइन सामने आए हैं, उन्होंने नए स्कॉर्पियो के अलॉय व्हील के डिजाइन का खुलासा किया है। ऐसा लग रहा है कि आने वाली एसयूवी को ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स की एक बहुत ही शानदार और स्टाइलिश जोड़ी मिलने वाली है, जबकि टेस्ट म्यूल पर पहियों को भी काले रंग से कवर किया गया है। वे निश्चित रूप से बहुत पसंद किए जाने वाले डायमंड कट फिनिश के साथ हैं। दोस्तों नई पीढ़ी की महिंद्रा स्कॉर्पियो के स्पेसिफिकेशन का खुलासा वैसे तो लॉन्च के करीब ही किया जाएगा, लेकिन यह मान लेना सुरक्षित होगा कि नई एसयूवी में थार के समान मोटर होंगे, हालांकि अलग अलग स्टेट ऑफ ट्यून्स में। एसयूवी की करेक्टरिस्टिक से मेल खाने के लिए इंजन की रीट्यूनिंग की आवश्यकता होगी, हालांकि यह कहा जा रहा है कि 2.2 लीटर एमहॉग डीजल इंजन जो वाहन के हुड के नीचे लगाया जाएगा वो 130 BHP के आसपास होगा, जबकि 2.0 लीटर एम स्टाइल पेट्रोल इंजन 140 BHP के आसपास होगा और एक डीजल इंजन को हायर परफॉर्मेंस के लिए टॉप एंड वेरिएंट में 170 BHP के आसपास ट्यून किया जाएगा। दोनों इंजनों को दोनों गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाएगा और XUV700 की तरह डीजल इंजन वेरिएंट में एज एन ऑप्शनल फोर व्हील ड्राइव मिल सकता है। दोस्तों अब तक महिंद्रा स्कॉर्पियो को एक कठिन एसयूवी के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जो समान कीमत वाले मॉडलों की तुलना में अधिक कठोर, कैपेबल और स्पेस प्रदान करती है। इसके अलावा जबकि एसयूवी के पहली पीढ़ी को विभिन्न मुद्दों से जूझना पड़ा था, लेकिन बाद के मॉडलों को ओवरऑल रिफाइनमेंट के मामलों में अधिक पेशकश करने के लिए ठीक किया गया था। एसयूवी को 4x4 वेरिएंट में भी बेचा गया था, जिसे बाद में बहुत कम मांग के कारण और BS6 एमिशन के चलते बंद कर दिया गया था। इसी तरह कम बिक्री के कारण पहली पीढ़ी के स्कॉर्पियो के पेट्रोल इंजन वेरिएंट को भी बंद कर दिया गया था। अगले वर्जन में हालांकि कार निर्माता ने वर्तमान समय में उनकी बेहतर मांग के कारण उपरोक्त दोनों विकल्पों की पेशकश करने की योजना बनाई है। आप पेट्रोल और डीजल में से कौन सा वेरिएंट लेना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अब तक हमने जितने भी टेस्ट व्यूल देखे हैं वो भारी कैमरा फ्लो से ढके हुए थे, लेकिन इन दृश्यों के आधार पर हमें यह अंदाज़ा लगाने के लिए कई रेंडरिंग बनाए गए हैं कि नया मॉडल आखिरकार कैसा दिख सकता है। साथ ही यह तो निश्चित है कि नई एसयूवी का डायमेंशंस आउटगोइंग मॉडल की तुलना में बड़ा होगा, जो बोल्ड स्टाइलिंग लैंग्वेज के साथ मिलकर इसे एक हाइयर रोड प्रेजेंस देने में मदद करेगा। तो दोस्तों कौन कौन भाई या बहन इस गाड़ी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।